हेलो बच्चों, मैं दीपिका शर्मा, आपकी इंग्लिश टीचर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की टेक्स्ट बुक की पोयम विंड पढ़ाऊंगी। विंड के पोइट हैं आर.एल. स्टीवेंसन, और विंड का मतलब होता है हवा। ब्लोइंग ऑफ एयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड। बहुत ही अच्छी पोयम है, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट बातें मैं बता रही हूँ आप उसे नोट करके याद कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम विंड। पोयम विंड है हमारी, और पोइट है इसके, जैसा मैंने अभी बताया, आर.एल. स्टीवेंसन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा। आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई। इस लाइन में कवि कहते हैं कि मैंने तुम्हें, तुम्हें मींस विंड को, मैंने तुम्हें देखा है टॉस यानी ऊपर उठाते हुए, द काइट्स यानी पतंगों को, हाई यानी ऊपर, मतलब मैंने तुम्हें पतंगों को ऊपर उठाते हुए देखा है। टॉस का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर उछालना या ऊपर उठाना, ठीक है ना। जैसे टॉस करते हैं हम लोग तो ऊपर उछालते हैं, तो यही मतलब है। कवि विंड से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पतंगों को ऊपर उठाते हुए देखा है। एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, और ब्लो यानी उड़ाना, बर्ड्स यानी पक्षी, स्काई यानी आसमान, और पक्षियों को आसमान में उड़ाते हुए देखा है। अब ब्लो वर्ड्स के दो मीनिंग होते हैं। एक ब्लो का मतलब होता है हवा का बहना, यानी ब्लोइंग ऑफ एयर, हवा के बहने को हम ब्लो कहते हैं। और दूसरा ब्लो का मतलब होता है हवा के द्वारा यदि किसी चीज को उड़ाया जाए तो उसे भी हम ब्लो कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लो का मतलब यही है कि पक्षियों को उड़ाना, हवा के द्वारा पक्षियों को उड़ाने के लिए यहाँ पर ब्लो वर्ड का यूज किया गया है। तो इस तरीके से कवि ने क्या कहा है कि जो पक्षी हैं वो आसमान में उड़ते हैं, किसके कारण उड़ते हैं, हवा के कारण। तो इस तरीके से दो वर्क्स तो पोइट ने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए कि हवा क्या क्या काम करती है, पतंगों को उछालती है और पक्षियों को आसमान में उड़ाती है। नेक्स्ट लाइन देखिए। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, और कवि कह रहे हैं कि मैंने ऑल अराउंड यानी अपने आसपास, आई हर्ड, हर्ड हियर मतलब होता है सुनना, और हियर की ही सेकेंड फॉर्म है हर्ड, ठीक है। तो मतलब मैंने हर्ड मतलब सुना, मैंने तुम्हें सुना है पास यानी गुजरते हुए। तो कभी कह रहे हैं हवा से कि मैंने अपने आसपास तुम्हें गुजरते हुए सुना है। लाइक लेडीज स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास, जैसे कि लेडीज की यानी महिलाओं की स्कर्ट घास के आसपास। कहने का मतलब ये है कि जब महिलाएं घास पर चलती हैं तो उनकी स्कर्ट घास से टच होती है, और स्कर्ट की घास से टच होने पर जो सरसराहट की आवाज होती है उसी तरह की आवाज हवा के बहने पर होती है। तो एक तरीके से जो पोइट है वो कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं हवा के बहने की आवाज को लेडीज की स्कर्ट की घास से टच होने की आवाज से। नेक्स्ट लाइन देखिए। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग यहाँ पर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सारा दिन, दिन भर, थ्रू आउट द डे, इसको हम ऑल डे लॉन्ग बोलते हैं। मतलब कभी कह रहे हैं कि अरे हवा तुम सारा दिन बहती हो, यहाँ पर ब्लो का मतलब हवा के बहने से है। ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग, अरे हवा तुम ऊंचे स्वर में गीत गाती हो। अब गीत गाने का काम तो कोई मनुष्य ही कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हवा के बहने की आवाज को कवि ऐसे कह रहे हैं मानो कि कोई गाना गा रहा हो। तो इस तरीके से ये मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा का मतलब बताया। द पोएट इज सेइंग इन द फर्स्ट लाइन दैट आई सॉ द काइट्स, आई सॉ यू क्रॉस द काइट्स ऑन आई, इट मींस दैट द पोएट इज सेइंग दैट द विंड इज, द विंड टेक्स द काइट्स हाई, बिकॉज ऑफ द विंड द काइट्स गो अप हाई इन द स्काई, एंड बिकॉज ऑफ द विंड द बर्ड्स ब्लो इन द स्काई, मीन्स द विंड ब्लोज द बर्ड्स इन द स्काई। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, द पोएट इज सेइंग दैट आई एम फीलिंग दैट यू आर पासिंग अराउंड मी, लाइक लेडीज स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास, इट मीन्स दैट वेन लेडीज वॉक ऑन द ग्रास देयर स्कर्ट्स टच द ग्रास, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टेक्ट द साउंड दैट प्रोड्यूसेज इज सिमिलर टू द साउंड ऑफ ब्लोइंग ऑफ एयर। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, हियर द पोएट इज सेइंग दैट द विंड ब्लोज ऑल डे लॉन्ग, and the wind sings a loud song, it means that the sound of wind is like somebody is singing a loud song. तो इस तरीके से हमारा first stanza था। Now let's move to the next stanza. देखिए poem का second stanza. I saw the different things you did. कवि कहते हैं कि मैंने तुम्हें, तुम्हें यानी wind को देखा है भिन्न भिन्न, different यानी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को करते हुए।
द पोइट सेज दैट द विंड डज डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट वर्क्स बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हिड. लेकिन तुम हमेशा अपने आप को छुपाती रहती हो. हिड यानी होता है छुपाना. हाइड एक्चुअली हाइट का मतलब होता है छुपाना. हाइट की सेकेंड फॉर्म में हिड है ना. तो कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें डिफरेंट वर्क्स तो करते देखा है लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देखा है. द पोइट इज क्यूरियस टू नो हाउ द विंड लुक्स. मतलब ये कवि जानने को उत्सुक है कि आखिर विंड दिखती कैसी है क्योंकि द पोइट इज अनेबल टू सी द विंड. विंड को पोइट देख नहीं सकता है बिकॉज द विंड हाइड्स इटसेल्फ. द विंड ऑलवेज हाइड्स इटसेल्फ यानी विंड हमेशा अपने आप को छुपाती रहती है. इसलिए पोइट उसको देख तो नहीं सकता है लेकिन वो डिफरेंट वर्क्स करते हुए उसे देखता है. ठीक है. आई फेल्ट यू पुश. मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि तुम मुझे पुश कर रही हो. तुम मुझे धक्का दे रही हो. पुश करना यानी कि धकाना या धक्का देना. मतलब द पोइट इज फीलिंग दैट द विंड कैन पुश हिम. द विंड कैन मूव हिम. उसको हिला सकती है. पोइट को उसको धक्का सकती है. कैसे हिला सकती है. जैसे तेज आंधी आती है जैसे तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड के कारण हमें कई बार ऐसा लगता है मानो हमें हवा जो है धक्का मार रही हो. तो वो चीज़ यहाँ पर वही कवि कह रहे हैं कि मैं तुम्हें धकाते हुए तो महसूस करता हूँ. आई हर्ड यू कॉल. मैं तुम्हें पुकारते हुए सुनता हूँ. आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल. लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ. आई कॉन्ट सी यू. मतलब कवि क्या कह रहे हैं कि यू कैन पुश मी. यू कैन कॉल मी. आई कैन हियर योर साउंड बट आई कॉन्ट सी यू. ठीक है. कवि ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ. ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग. अरे हवा तुम सारा दिन बहती हो. ऑल डे लॉन्ग जैसा मैंने आपको बताया था थ्रू आउट द डे. मतलब विंड जो है सारा दिन बहती है. ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग. और विंड जो है ऊंचे स्वर में गीत गाती है. अब ठीक है. तो इस तरीके से ये हमारी पोयम का सेकेंड स्टेंजा था. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट स्टेंजा. हमारा लास्ट स्टेंजा देखिए. ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड. स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत या ताकतवर. यहाँ पर कवि विंड से कह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो. बहुत ज्यादा ताकतवर हो. यू आर सो पावरफुल. यू आर सो पावरफुल बिकॉज यू कैन पुश मी. यू कैन मूव मी. तुम मुझे धक्का सकती हो. तुम मुझे हिला सकती हो. इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो. एंड कोल्ड और तुम बहुत ज्यादा ठंडी हो. इट मीन्स दैट वेन द वेदर इज प्लीजेंट. जब मौसम सुहावना होता है तो द विंड गिव्स अस कूलनेस. तो हवा हमें शीतलता प्रदान करती है. हमें ठंडक प्रदान करती है. तो यहाँ पर कवि वही कह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो. बहुत ज्यादा पावरफुल हो. और तुम मुझे बहुत ज्यादा ठंडक प्रदान करती हो. बहुत ज्यादा शीतलता प्रदान करती हो. नेक्स्ट लाइन देखिए. ओ ब्लोअर आर यू यंग और ओल्ड. अब इस लाइन में कवि विंड से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम युवा हो यंग हो या फिर तुम बूढ़ी हो. नाउ द पोइट इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द विंड वेदर द विंड इज यंग और ओल्ड. मतलब जो हवा है वो क्या युवा है या फिर बूढ़ी है. द पोइट इज ईगर टू नो. द पोइट इज क्यूरियस टू नो हाउ द विंड लुक्स. मतलब कवि ये जानने को बहुत उत्सुक है कि हवा दिखती कैसी है. क्या वो यंग दिखती है या फिर वो ओल्ड दिखती है. आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री. अगेन द पोइट इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द विंड. आर यू अ बीस्ट. क्या तुम कोई बीस्ट हो. बीस्ट यानी होता है जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल. तो यहाँ पर कवि जो है हवा को क्या कह रहे हैं कि क्या तुम कोई जंगली जानवर हो. और फील्ड. फील्ड यानी खेत. और ट्री यानी पेड़. क्या तुम खेतों और पेड़ों की कोई जंगली जानवर हो. और जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी. या फिर मुझसे भी ज्यादा ताकतवर कोई बच्चा हो. तो यहाँ पर कवि जो है हवा को क्या कह रहे हैं. बीस्ट कह रहे हैं कि क्या तुम कोई बीस्ट हो. वो बीस्ट क्यों कह रहे हैं हवा को. क्योंकि जब तेज हवा चलती है. जब आंधी चलती है तो खेत के खेत नष्ट हो जाते हैं. पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं. तो यहाँ पर हवा का काम किसके जैसा हो जाता है. किसी वाइल्ड एनिमल के जैसा हो जाता है. किसी डेंजरस एनिमल के जैसा हो जाता है. इस कारण कवि यहाँ पर हवा से कह रहे हैं कि क्या तुम कोई जंगली जानवर हो. तो when the storm breaks, the fields and trees are destroyed by the strong wind, by the storm. That's why the poet is calling wind a beast. इसलिए कवि जो है विंड को क्या कह रहे हैं. बीस्ट कह रहे हैं. या फिर मुझसे भी ज्यादा कोई ताकतवर बच्चा हो. या क्या तुम बीस्ट हो या फिर तुम मुझसे भी ज्यादा कोई ताकतवर बच्चा हो. नेक्स्ट लाइन देखिए. ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग. अरे हवा तुम सारा दिन बहती हो. ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग. अरे हवा तुम ऊंचे स्वर में गीत गाती हो. तो इस तरीके से हमारी पोयम कंप्लीट होती है. अब हम इसका ग्रामर पोर्शन देखते हैं.
बुक में हमारी ग्रामर दी हुई है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द राइमिंग वंस। ए पोर्शन में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हें बी पोर्शन के वर्ड्स को वर्ड्स से राइमिंग वर्ड्स के बेस पर मैच करना है, मतलब राइमिंग वर्ड्स हमें बनाने हैं ए पोर्शन के वर्ड्स को बी पोर्शन से मैच करते हुए। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी तुक मिलती है, जिनकी लय मिलती है, मतलब जब हम उनका प्रोनंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उनकी आपस में लय मिलती है, तो ऐसे वर्ड्स ही राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है हाई, हाई का राइमिंग वर्ड है बी पोर्शन में जो दिया है वो मैच करेगा स्काई, हाई का क्या हो जाएगा स्काई। सेकेंड वर्ड है हमारा पास, पास का हो जाएगा ग्रास, ठीक है। थर्ड वर्ड है हमारा लॉन्ग, लॉन्ग का राइमिंग वर्ड होगा सॉन्ग। आप देखेंगे कि इनके आपस में तुक मिल रही है। फोर्थ वर्ड है हमारा कॉल, कॉल का हो जाएगा ऑल। और लास्ट हमारा फिफ्थ वर्ड है ओल्ड, ओल्ड का राइमिंग वर्ड हो जाएगा कोल्ड। आप इसको नोट कर लीजिए, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है वो है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको जो भी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनके लिए आपको एक शब्द लिखना है, वन वर्ड लिखना है। फर्स्ट देखिए, एयर दैट मूव्स क्विकली एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस, हवा जो कि नेचुरल फोर्स यानी प्राकृतिक बल के कारण मूव्स क्विकली यानी तेजी से बहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं विंड, विंड यानी हवा या पवन, जो कि हमारी पोयम का टाइटल है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, टू पुट समथिंग इन अ सीक्रेट और अननोन प्लेस, यानी किसी गुप्त स्थान पर या अननोन अज्ञात स्थान पर किसी चीज को रख देना, जिसको हम कहते हैं ना छिपा देना, तो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा हाइड, हाइड यानी होता है छिपाना। तो सेकेंड एक्सप्रेशन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हाइड। थर्ड है आपका लार्ज एंड डेंजरस एनिमल, बड़े और खतरनाक जानवर, इन्हें हम क्या बोलते हैं बीस्ट, इसके लिए वन वर्ड क्या आएगा बीस्ट, आप नोट कर लीजिए इसे। फोर्थ है अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ एयर, यानी ऐसा यंत्र जो कि हवा पैदा करता है उसको हम क्या बोलते हैं ब्लोअर, ब्लोअर यानी कि बहने वाला। आपके पोयम में भी ये वर्ड आया था, विंड के लिए पोइट ने यूज किया था ओ ब्लोअर, ब्लोअर का मतलब वहां पे क्या था बहने वाली, अरी बहने वाली, है ना। तो वही है यहाँ पर कि जो हवा एक डिवाइस जो कि हवा उत्पन्न करती है उसको क्या बोलते हैं ब्लोअर। तो इस तरीके से आपके ये चार एक्सप्रेशन थे जिनके लिए हमें वन वर्ड लिखने थे, तो आप नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। टेक्स्ट बुक में जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आप पहले उन्हें देखिए। पहला क्वेश्चन है हु टेक्स द काइट्स हाई, मतलब पतंगों को कौन ऊपर ले जाता है। आपने अभी पोएम में पढ़ा था कि विंड जो है हवा पतंगों को ऊपर आसमान में ले जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा विंड टेक्स द काइट्स हाई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है विंड टेक्स द काइट्स हाई, आप नोट कर सकते हैं इसे। फिर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द विंड ऑलवेज डू, हवा हमेशा क्या करती है। इसका आंसर है द विंड ऑलवेज ब्लोज, हवा हमेशा बहती है, एंड इट ऑलवेज हाइड्स इटसेल्फ, और ये हमेशा अपने आप को छुपाती है। द विंड ऑलवेज ब्लोज एंड इट ऑलवेज हाइड्स इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ डज द विंड वर्क, हवा किस प्रकार कार्य करती है। इसका आंसर है द विंड टेक्स द काइट्स हाई, हवा जो है पतंगों को ऊपर ले जाती है, एंड ब्लोज द बर्ड्स इन द स्काई, और पक्षियों को आसमान में उड़ाती है। इट पुशेस, ये हमें धकाती है, एंड सिंग्स अ लाउड सॉन्ग, और ऊंचे स्वर में गीत गाती है। आप लोग नोट कर लीजिए, द विंड टेक्स द काइट्स हाई एंड ब्लोज द बर्ड्स इन द स्काई, इट पुशेस एंड सिंग्स अ लाउड सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए What does the poet want to know about the wind? कभी जो है विंड से क्या जानना चाहता है, कभी क्या जानना चाहता है, आपने पढ़ा है कि कभी ये जानना चाहता है कि हवा जो है यंग है या ओल्ड है, युवा है या बूढ़ी है। तो आंसर इसका द पोइट वॉन्ट्स टू नो वेदर द विंड इज यंग और ओल्ड, मतलब जो हवा है वो युवा है या बूढ़ी है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर है, नोट कर लीजिए। आप लोग विंड पोयम का सेंट्रल आइडिया देखिए। सेंट्रल आइडिया जब भी हम किसी पोयम का लिखते हैं तो सेंट्रल आइडिया जो है वो पोयम की थीम क्या है, वो पोयम किस चीज़ पर बेस्ड है, हम वो लिखते हैं। तो
तो पोयम का सार जो है वो सेंट्रल आइडिया के अंतर्गत आता है, जो केंद्रीय विचार होता है वो लिखा जाता है। आप चाहे तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो आंसर्स आप लिख रहे हैं उस चैप्टर में, उस पोयम में, आप उसको मिलाकर भी सेंट्रल आइडिया बनाकर लिख सकते हैं। तो मैंने वैसे ही यहाँ पर किया है। विंड का सेंट्रल आइडिया जो है, हम लोग उसके आंसर्स को मिलाकर भी लिख सकते हैं। देखिए, द पोइट सेज, यानी कवि कहते हैं, दैट द विंड डज डिफरेंट वर्क्स, की जो हवा है वो डिफरेंट वर्क्स करती है, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती है। इट पुशेस, ये हमें धक्का देती है, एंड ब्लोज ऑल डे, और सारा दिन बहती है। इट सिंग्स अ लाउड सॉन्ग, ये ऊंचे स्वर में गीत गाती है। बट द विंड ऑलवेज हाइड्स इटसेल्फ, लेकिन हवा हमेशा अपने आप को छुपाती है। तो आप इस तरीके से सिंपल वे में भी सेंट्रल आइडिया बना करके लिख सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को आरएल स्टीवेंसन की पोयम विंड समझाई। आशा करती हूँ आपको पोयम समझ में आई होगी। आप इसे अच्छे से, इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी ग्रामर मैंने बताई, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।